हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं जब सवेरे सवेरे कुत्ते घुमाने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ बाहर का नज़ारा कुछ बदला हुआ रहता है और यहाँ पर बारिश हो रही होती है। ये देख के मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आज कुत्तों को घुमाने नहीं लेके जाना पड़ता। नहीं, असलियत में मैं झूठ बोल रहा था, पापा ने मेरे को रोका हुआ था क्योंकि बारिश पड़ रही और ठंड लग जाएगा, इसलिए पापा नहीं भेजते। कुछ देर में मेरा भाई इस मुर्गों के लेके आता है जो मुर्गा बिल्कुल भीग गया होता है, और मैं उसी को देख रहा होता और मेरा भाई भी हंस रहा होता है कि इसको पता नहीं किसने बाहर उठा के फेंक दिया है। फिर मैं बाहर देखता हूँ, अभी हल्की हल्की बारिश पड़ रही होती है। मेरे पापा बोलते हैं गैस ख़राब होता है, इसलिए पापा बोलते हैं कि पिछली बार भी मैंने गैस बनाया था, इसलिए पापा मेरे को इस बार भी यही काम पापा मेरे को सौंप देते हैं। और ये वाला नोज़ल ख़राब होता है इसका, फिर मैं इंजीनियर के जैसे थोड़ा सही करता हूँ। मेहनत करता हूँ इस पे, थोड़ी मेहनत करके, और पता चलता है कि इसके नोज़ल में ही ख़राबी थी। मैं हर जगह से इसको अच्छे तरीके से पड़ताल करता हूँ ताकि पता चल जाए कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। इसके रेगुलेटर में भी देखता हूँ, तब भी इसके कुछ नहीं होता है, सही होता है ये भी। फिर बाद में देखता हूँ अच्छे से जलने लग जाता है, बिल्कुल दोनों स्टोव बढ़िया से जलने लगते हैं। मैं गैस बना के जब जाता हूँ तो देखता हूँ सब परिवार वाले भी सोए होते हैं, ये कुत्ता भी उसी के पास सोया होता है, मेरे बड़े भाई के पास सोया होता है जिसका नाम है ओरियो। और बाकियों के पास जाता हूँ वो भी सोए पड़े होते हैं, ठंड होने के कारण वो भी नहीं आज बाहर जाते। ये वाला कुत्ता थोड़ा बाहर गया था इसलिए थोड़ा भीगा भीगा हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये इसको तो अलग ही से ठंड लगती है, उनकी उसकी माँ है हमेशा हमेशा जब देखो तब वो कंबल में ही बैठी रहती है, वो सबसे ज़्यादा उसको ही ठंड लगती है। और मैं बाहर देखता हूँ तब भी अब दफ्तर वाले आ गए होते हैं और हल्के हल्के अभी बारिश पड़ रही होती है। फिर बाद में दीदी इनको खिलाती है, रात का बचा हुआ मीट इन्हीं को दिया जाता है और ये सब के सब बिल्कुल मज़े से खाते हैं, और बाकी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी। 3 बजे के करीब इनको फिर बाथरूम लगती है और आवाज़ निकालते हैं तो फिर उनको लेके आना पड़ता है। अरे देखो हमारे फूल में ये काम ख़राब करने लगता है। फिर मैं और मेरी बहन लेके जाते हैं इनको लोगों को घुमाने, अरे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 कुत्ते होने के कारण इसलिए हम नहीं लेके जा पाते, सिर्फ दो दो करके लेके जाते हैं। और इसको सूंघ रही होती, फिर मैं इसको बुलाता हूँ। फिर ये अपना बाथरूम करते हैं, और इसको पता नहीं कितना बाथरूम लगा होता है, यही सबसे ज़्यादा तंग करता है, और ठंड में फिर मेरे को बाहर निकलना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, सवेरे नहीं लेके गए थे इसलिए इनको अभी लेके जाता हूँ। और ये देखो इसका स्टाइल। और फिर मैं अपने गुआंडी के घर के पास लेके आता हूँ थोड़ा घुमाने के लिए। अभी गुआंडी सोया होता है, हमारा पड़ोसी सोया रहता है, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो इसके पास ही साइड से निकल के कर लेते हैं। अभी सड़क के पास नहीं लेके जाता मैं इनको। वापस इनको बुला लेता हूँ सड़क पर, अभी दफ्तर चल रहा होता है इसलिए इनको सड़क पर नहीं लेके जाता। और आगे सबसे ज़्यादा खतरनाक काम करेंगे जो आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, अगर आपका कोई पेट हो तो ये काम मत कराना, नहीं तो देख लेगा तो आपको ये, और ये काम कभी मत कराना। मैंने कर लिया पर आपने आप नहीं करना इसको। और ये मेरा भाई ठंड के कारण लकड़ी इकट्ठा करता है। और ये ओरियो, फिर मैं घर पे आके चाय बनाता हूँ। सिर्फ 2 आदमियों के लिए चाय बनाता हूँ, बाकी सब पहले ही चाय पी चुके होते हैं इसलिए सिर्फ 2 आदमियों के लिए चाय बनाता हूँ। और फिर मैं चाय पीता हूँ।
चाय पीने के बाद मैं कुत्तों को लेके जाता हूँ शाम को घुमाने के लिए, क्योंकि शाम को दफ्तर बंद हो जाता है, इसलिए इनको सड़क पर ये अच्छे से लैट्रिन बाथरूम कर लेते हैं, इसलिए इनको हम शाम को लेके जाते हैं। घर के आस सामने नहीं करते, इनको सड़क पर लेके आओ तभी ये करते हैं, और ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाता। फिर मैं वापस मोड़ लेता हूँ घर की तरफ, क्योंकि अब कर चुके होते हैं अपना काम, और अभी भी कर रहा है। इनका काम होने के बाद मैं हल्के हल्के घर की तरफ मुड़ जाता हूँ, अरे पता नहीं क्या देखते हैं, पर इनके कारण दफ्तरों में बहुत लड़ाई हो चुकी है, इसलिए इनको बांध के लेके जाना पड़ता है। पढ़ते रहने कारण मैं इनके खाने का वीडियो नहीं बना पाता, बाद में इनके सोने के लिए मैं आता हूँ इनको कंबल उड़ाने के लिए, पर मेरे को इनके पास थोड़ी स्मेल आती है, इसलिए मैं रूम फ्रेशनर लेता हूँ, पहले इनके कंबल और थोड़ा इनके बेड के नीचे पहले मारता हूँ। और बाकी कुत्ते भागे होते पहले ही, इसलिए दरवाज़ा खोल के उनका इंतज़ार करता हूँ कि कब आए तो फिर उनको सुलाया जाए बेड पे। फिर मैं रूम फ्रेशनर को जहाँ पर रखा होता है उसी जगह पर रख देता हूँ, और अभी भी उनका इंतज़ार करता हूँ कि कब आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।